हरे कृष्णा गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइज आज है नरसिंह चतुर्दशी, तो नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मंदिर में फंक्शन है सोनावड़ा फाटा इस्कॉन मंदिर में, तो हम यहाँ पर आए हैं टेंट लगाने के लिए और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। यहाँ पर जो है नौका विहार का प्रोग्राम होगा आज। नौका विहार भगवान को यहाँ पे नौका में बैठा करके घुमाया जाएगा इसमें, तो इसका अभी पानी भरा जा रहा है। फिर पानी भरने के बाद इसमें अच्छे से फूलों से डेकोरेशन होगा, फिर उसके बाद भगवान को यहाँ पर इसके अंदर जो है विहार करवाया जाएगा। बच्चे खोके खा रहे हैं। अभी गाइस ढांचा जो बन के पूरा तैयार हो चुका है और अभी सीलिंग्स लग रही है, साइड सीलिंग। काफ़ी हवा और आंधी चल रही है इसलिए उड़ रही है। और हमारे साथी जो है वो ला रहे हैं पाठ यहाँ पर स्टेज के लिए। और मंदिर का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। पाठ लाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है इनको। इस ठाकर वाले बच्चे को बहुत शर्म आ रही है। साइड सीलिंग लगभग पूरी लग चुकी है, एक साइड से लगनी बाकी है। अभी बज रहे दो प्रकार के हैं और हमारी फौज को बहुत भूख लग रही है जोरदार से, तो उनके लिए मैं राजभोग की व्यवस्था किया हूँ। थैंक यू। यह है पूरा राजभोग का प्रसाद। वैसे सभी भक्त लोग आपस में मिल बांट कर खाते हैं डेली, लेकिन आज नरसिंह चतुर्दशी है, सबका उपवास से कोई खाएंगे नहीं। वैसे मैंने रेस्टोरेंट में ऑर्डर भी दे दिया था प्रसादम का, दो थाली का। चलो चलो खा लो। ये तो ऐसे ही था, देखो ये याद नहीं आया, नहीं तो इसका ऑर्डर नहीं देता मैं। तो भाई सबके लिए प्रसाद आ चुका है। कैसा बना प्रसाद? टेस्ट ठा नहीं पड़ रहा है क्या? अच्छा अच्छा नहीं, वैसे ही भगवान की थाली तो नहीं है, सेंस की है। जबान खाई लो आज, कौन बहुत ज्यादा गन्न है। आप देख सकते हैं हमारे गोविंदास में कितनी शानदार व्यवस्था है। हमारे ठाकुर जी के लिए रास्ता बन रहा है इधर, यहाँ से भगवान आएंगे सीधा मंदिर से, तो वहां से रास्ता तैयार हो रहा है। लगा लो फटाफट, प्रभु जी के फूल उड़ रहे हैं। एक लाख ग्यारह हजार पैसा तो आना शुरू हो गया, लेकिन शाम के चार बज रहे हैं और हमारा काम पूरा फिनिश हो चुका है। तो कहीं अभी बज रहे शाम के समस्या है और अभी नौका विहार फेस्टिवल शुरू होने वाला है और मैं भी ना धो करके धोती कुर्ता पहन एकदम रेडी हो गया। अभी चलते हैं। तो देखिए माता जी ने काफ़ी सुंदर सुंदर जो है रंगोलियाँ बनाई है भगवान के लिए। इस रास्ते से भगवान जी आएंगे, तो इस रास्ते को सजाया जा रहा है अच्छे से। काफ़ी सारी माता जी सेवा में लगी हुई हैं।
और यहाँ पर जो है भगवान मंदिर से होकर के यहाँ तक आएंगे और इसको कैसे सजाया हुआ है आप देख सकते हैं। ये सब देखिए पानी के ऊपर बनाया हुआ है, अच्छे से चित्रकारी और नाम वगैरह लिखे हुए हैं ये पानी के ऊपर फूलों से। देखिए एकादशी स्पेशल प्रसाद बन चुका है, फ्रूट क्रीम, फ्रूट क्रीम, समय की खिचड़ी। ये क्या प्रोजेक्ट कड़ी है? कौन सी? ये वाली खीर, खीर है क्या? बच्चे हो जाए, बच्चे बच्चे तंग कर देंगे कि दो डालो, ज्यादा डालो, स्पेशल का। अरे एक मिनट तक देना, तो फिर पीछे जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, कहीं जगह है नहीं।
तो गाइस हमारी गाड़ी अभी घर जाने के लिए तैयार है। रात के 11:15 बज गए, अभी हम फ्री हुए टेंट खोल करके। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11, हम सुबह से लगे थे टेंट लगाने के लिए मंदिर में, काफ़ी तावड़े में काफ़ी थक गए करके फ्री होकर के अभी हम जा रहे हैं घर पर। सुबह हमको आना है वापस क्योंकि बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के पास में हमको बहुत बड़ा टेंट लगाना है, तो उनको भी लेके आएंगे। और ये साथ में आगे कुत्ते बज रहे हैं, कुत्ते नो 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 भाई साहब ऐसा कैसा इतना खतरनाक कुत्ता है, आगे आगे भाग रहा है। और आ रहा मोटरसाइकिल पकड़।